जय हिंद साथियों। और आज मेडिकल हो गया है और भैया लोग मेडिकल दे करके आए हैं और इनका अभी रिजल्ट नहीं आया है। देखिए मेडिकल गेट के बाहर ही खड़े हैं और इनका रिजल्ट कल सुबह 9 बजे बुलाया है। हाँ तो इन्हें तो जानते होंगे, इनका नाम अभिषेक है, अभिषेक यादव दतिया। भैया आपका नाम? मेरा नाम तेजेंद्र सिंह है, मुरैना से। मुरैना से हो। भैया आपका? सोनू यादव। सोनू यादव। भाई साहब? संदीप यादव। संदीप यादव। चलिए तो मेडिकल ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूरा डिटेल एग्जामिनेशन किया जाता है बॉडी का, यानी कि हमारी आईज, कान, नोज, माउथ और शोल्डर कैसे हैं, किसी किसी की जो चेस्ट होती है उसमें यहाँ पे कुछ या फैट है या कुछ गांठें वगैरह पड़ी हुई हैं, वो सारी चीजें हैं। एब्डोमेन अपना और नीचे के जो जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, लेग्स के नॉक नीज भी चेक किए जाते हैं। तो पूरा तरीके से डिटेल एग्जामिनेशन होता है बॉडी का और प्रोसेस कुछ इस तरीके से रहता है कि नंबर के जिनके जो सीरियल नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स रहते हैं, जो सेंटर है उसका हॉस्पिटल है अंदर, उसमें उनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स रहते हैं और वो सबसे पहले आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस की जो बुक है उसमें लगभग कितने पेज हैं? हाँ वो काफी मोटी सी बुक होती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में नंबर हिडन रहते हैं, उसमें छुपे रहते हैं, वो आपको पहचानने होते हैं। जैसे कि अगर जिनकी आंखें ठीक होती है तो वो आसानी से देख सकते हैं, ऐसा कुछ बहुत हार्ड नहीं है, उसको आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। और देन उसके बाद वो आपका आई का जो रोटेशन होता है, जैसे अगर आपके सामने पेन कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको इस तरीके से आपको आईज को रोटेट करना होता है। इसमें बहुत बच्चों को परेशान कर रहे थे, बहुत बच्चों को दोबारा बुलाया इसके लिए। तो इसमें कुछ लोग आंखों के साथ अपना सिर भी इधर उधर करते हैं, तो हालांकि वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप आसानी से करते हैं। उसके बाद सबसे जो उनका जो नेक्स्ट रहता है ईयर्स के लिए रहता है, तो ईयर्स के लिए वो फॉग का इस्तेमाल करते हैं, आंख बंद करके आपके इधर लाएंगे कान के आसपास और वो आपसे जानेंगे कि आपको हाथ उठा के बताना है किस साइड से आवाज आ रही है, किस साइड से आ रहा है। आगे वो आपका क्रॉस के थ्रू आपके माउथ को चेक करते हैं कि जीभ और आपके जो कैविटी है, जो भी आपके दांत वगैरह हैं वो सही है या उनका शेप कैसा, जो भी है। अगर जैसे किसी का कोई का दांत नहीं है तो मतलब उसमें कुछ तो, वैसे आज रिजल्ट तो नहीं आया लेकिन बोला तो कुछ होगा। जैसे बोलते हैं कि अगर आपके दांतों में से कीड़ा वीड़ा लगा हुआ है तो वो नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि वो आपको, लेकिन आप उसका पहले से ट्रीटमेंट करा के आए, जो भी फ्यूचर में आ रहे हैं तो वो जरूरी है। फिर उसके बाद आपका टीथ के बाद डीएनएस नाक, थोड़ा ही था, मतलब थोड़ा सा थोड़ा सा सांस भी देखी थी किस साइड से। अच्छा हाँ, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि थोड़ा कभी कभी हवा भी चेक कर लेते हैं, लेकिन नाक पे बोल रहे थे अधिकांश, अगर एक ऐसे कुछ भी दिक्कत है वो बोल रहे थे कि एक सांस कम आती है या एक साइड से, जैसे एक साइड दबा के मतलब ऐसे वो चेक कर रहे थे, अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो बस ये है, आपको बोलना भी नहीं है कि सांस भले ही कम आ रही हो, वो तो आ रही है ही बोल रहा है, क्योंकि वो ऐसे चेक कर रहे हैं नाक दबाके की सांस आ रही है, इससे कम आ रही है, कम आ रही है। और जब वो कान चेक कर रहे हैं ना तो वो आंखें बंद कर दे रहे हैं कि आंखें बंद करो, हैंड रख ले रहे, फिर एक साइड दूसरी साइड आवाज, डबल बार भी कर सकते हैं, डबल बार भी, किस साइड आवाज आ रही है, हाथ उठाना है, जिस पे हाथ का ध्यान रखना है वो पहले से ही बोल दे रहे हैं, हाथ उठा नहीं रहना है, ठीक है। और अंदर अगर कुछ भी गलती कर रहे हैं, डांट रहे हैं वो पूरी तरीके से, नौकनी भी चेक कर रहे हैं। अच्छा, नौकनी लटा के भी चेक कर रहे हैं, तो नौकनी में कल बहुत सारे बंदों को भी मेडिकल मिला था, अभी भी दोबारा मिला था, अच्छी चेक कर रहे हैं। अच्छा देखो, इतना तो कन्फर्म है, जिसको दोबारा मिलाया उन्हें रीमेडिकल मिलने के चांस है, जिसको नहीं मिलाया वो तो पास है, ये तो कन्फर्म है। जिसको बुलाया ही नहीं है वो तो पास है, पास का कन्फर्म है, ठीक है। लेकिन बहुतों को बुलाया था, तो एम्बन नहीं बुलाया था, लेकिन उनने हाई स्कूल नहीं कर पाया, एक एक था एम्बन, एम्बन में कितने 11 बुलाए थे, एम टू वाले सबसे ज्यादा बुलाए थे, कहना तो नहीं चाहिए, एम थ्री में सबसे टाइप का है,
एम1 वाला डॉक्टर से मिला था, वो एम1 वाला डॉक्टर डॉक्टर सुर ऐसे सभी अच्छे हैं, ऐसा कोई डॉक्टर वो उनका स्पेशल अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। बस आप अपना रेडी होके आइए और सारे बॉडी उसके बाद जैसे किसी को शोल्डर अप डाउन चलने पे भी दे दिया कि तेरी चाल सही नहीं है। अच्छा तो उस पे भी दे दिया। राठौर था वो, राठौर ना उसका राठौर का। और सबसे मेन ये है कि आपकी चाल भी चेक की जा रही है। अच्छा बेरिकॉन्स जो बेरिकॉन्स बोन होती है उसमें दे रहे हैं आज किसी को चेक किया तो मेरे सामने आप लोगों का चेक किया था पांच लोगों में से किसी को आप लोगों का चेक किया था। अच्छा तो मतलब वो किस तरह से चेक कर रहे हैं वो पहले चेक कर दी ना बैग में था। अच्छा और फिर उसके बाद जैसे ब्लैक फुट कैसे चेक कर रहे हैं। ब्लैक फुट ऐसे बैग कर दिया उनने और पीछे ऐसा पंजा उठवा के चेक कर रहे हैं। पंजा उठा अच्छा खड़ा कर दिया। और जो कैरी एंगल है उसका कैरी एंगल का क्या है जिसमें दिक्कत है तो उससे नाप रहे हैं। कलर ब्लाइंडनेस वाली बुक में भी उंगली घुमाने वाला दे रहे हैं कि उंगली घुमाओ कहाँ से कलर ब्लाइंडनेस पहले वही करवा रहे हैं। और बीपी का बताओ सबसे पहले। बीपी का यार ये है कि बीपी इसका ज्यादा आ रहा है तो उसको घुमाना तीन बार मौका दे रहा है हम बुलाने का। राजा 40 से नीचे वाला चल रहा है। 40 का 40 से ऊपर है तो उसको दोबारा थोड़ा टाइम दे रहे हैं। वगैरह वाला ये था उसको भी दोबारा बुलाया था। अच्छा बुलाया था वो ऐसा बुलाया कि डॉक्टर बोला कि उसको प्रॉब्लम है या कोई शरीर में जैसे कोई जिसकी पैर की उंगली छोटी थी जो आखिरी वाली उंगली दोनों छोटी थी उसे बुलाया था दोबारा की तेरी उंगली छोटी क्यों। हाथ की उंगली थोड़ी बुलाया उंगली ना ऐसी करवा के वो मोड़ के देख रहे हैं ऐसे मोड़ रहे हैं मोड़ रहे वो ऐसे कराते हैं पैरों की भी मोड़ के देख रहे हैं वो। अच्छा पैरों को भी देख रहे हैं ठीक है। इसके बाद कैरी एंगल हो गया उंगली हो गई है। हाँ पाइल्स वगैरह सबसे ज्यादा वो एक ही चीज एक तो सांस पे की नाक पे ध्यान दे रहा है दूसरा आंखों पे बहुत ज्यादा तीन चार चीजें हैं जिनपे बहुत ज्यादा ध्यान। आठ 40 मिनट के समथिंग ने अंदर ही पांच लोगों के लिए। अच्छा, 40 मिनट पांच लोग एक साथ लेके जा रहे हैं 40 मिनट बाकी और जो आने वाले हैं रिजल्ट तो आपका आ ही जाएगा जो भी हो वो कोई नहीं जो जैसे कल है कुछ बंदों का वो देख रहे होंगे तो उन्हें क्या कहना चाहो जैसे बीपी तो घबराने से आता है तो ये है कि 3 दिन हो जाते हैं शांत रहे नॉर्मल रहे ऑपरेट करें उनके साथ और ऐसा कुछ टफ अच्छा नहीं है आप कर सकते हैं सबका। अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो तो है ही कि नहीं वो तो है ही पर जिसको जेन्युइन अगर कोई प्रॉब्लम है तो नहीं मौका देते हैं ऐसी बात मौका तो 2-3 बार वो बुला चांस मिलेगा उसे चांस मिलता है। हां अभी वो भी मेडिकल डॉक्यूमेंट का तो आपने जानकारी दे ही दी थी वही बाकी डॉक्यूमेंट में हम आज फिर से बता दें कि अगर आपका जैसे एक तो निवाड़ी वालों के लिए बहुत दिक्कत हो रही है उन्हें तो मना ही कर दिया निवाड़ी वालों के लिए क्योंकि वो टीकमगढ़ था पहले अब निवाड़ी बन गया तो वो पोर्टल पे उस समय खुला नहीं था तो अब उनके जो डोमिसाइल है उसको नहीं ले रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि बनवा के लाओ। अब वो कहाँ से बनवाए क्योंकि उनका पोर्टल ही नहीं खुल रहा है। बाकी दूसरी बात अगर आपके पिताजी के नाम में हरी सिंह है जैसे हमारे पिताजी का नाम हरी सिंह है तो यादव नहीं है तो जैसा 10th की मार्कशीट में आप वैसा ही बनवा के लाए नहीं तो आपको 10 दिन का टाइम दे रहे हैं। और अभी एक जो लड़का लाया जिसका हमने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला है उसका क्या था जो जाति था सेंट्रल वाला उसमें अनुक्रमांक नहीं डला था अनुक्रमांक होता ना वो नहीं डला था। सबसे जरूरी तो वही है 2001 से लेके 2024 तक। लेकिन ये है केंद्रीय जाति में तो एक बच्चे का डेट नहीं डली थी उसपे डली ही नहीं थी वो फोटोकॉपी करवा के लाया था उसने खुद से डाल दी डेट और बोल दिया फोटोकॉपी ले लेकिन डॉक्यूमेंट सारे ही वो ओरिजिनल और एक फोटो स्टेट दोनों ही मांग रहे हैं कि ओरिजिनल भी चाहिए। तो भैया एक बार आपके कितने नंबर है आपके नंबर और बता दो आप। मेरे 139 है एसएससी जीडी में 139 है एसएससी जीडी में। अब आपसे एक भाई तो बताई चुके हैं मेरे भी 139 भैया आपके नंबर कितने हैं आपके एसएससी जीडी में नंबर कितने 140 ठीक है ये भाई साहब तो बताई चुके हैं कितने नहीं है ना। चलिए
और डॉक्यूमेंट्स, हाँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बस टेंट ऑयल लाना है या ग्रेजुएशन भी लगा है तो वो लाना है, और क्योंकि मतलब डॉक्यूमेंट्स की बहुत बच्चे बोल रहे थे, और सेंट्रल का आज आज शायद कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का भी लिया है आज, क्योंकि एक बच्चे ने हमसे ही फोटो कॉपी करवाने भेजा था, आज स्टेट का भी लिया है। जब हमारा हो रहा था स्टेट वाला लिया ही नहीं था, सबसे मना कर दिया था स्टेट वाला। संदीप भाई को बहुत सारे लड़के बोल रहे थे नंबर पूछने के लिए, आज तो क्लियर कर दिया। हाँ और लोगों से भी पूछ लेना। हाँ चलो और भी पूछ लेंगे, बाकी अभी जो निकलेंगे आज फिजिकल वाले उनसे भी मिलते हैं। तो जय हिंद जय भारत। ठीक है प्रदीप भाई को सभी लोग सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा रिव्यू देते हैं, चलिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं सभी लोगों से, यही बोलेंगे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और यहाँ सब लोग पहचान रहे हैं प्रदीप भाई को, जितने भी अंदर है बच्चे सारे पहचान दे सर आपका ही रिव्यू देख के आ रहे हैं। प्रदीप भाई बहुत अच्छे हैं, जैसे और सब बोल रहे हैं की मेहनत करते हैं सर, मिलना है डेली आते हैं। चलिए भैया जय हिंद, मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। जय हिंद जय भारत।